राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है। राहुल के अध्यक्ष बनने के बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथ लगी। इस जीत से लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिली, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो उसके सामने अब बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी जैसे दमदार छवि वाले नेता से है। तो क्या राहुल गांधी की असली परीक्षा चुनाव के बाद शुरू होगी? क्या चुनाव के बाद बड़े खिलाड़ी बन पाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष? सियासी जानकारों की माने तो राहुल के लिए लोकसभा चुनाव बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ चुनौती वाला है। कांग्रेस ने उन्हें अपना पीएम उम्मीदवार बनाया है, खुद वो भी बहुमत मिलने पर सरकार का नेतृत्व करने की इच्छा जता चुके हैं। हालांकि इसका फैसला तो 23 मई को नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन राहुल गांधी भी एक ऐसे परिपक्व नेता की तरह अपने कदम बढ़ा रहे हैं। इसका बड़ा उदाहरण तक देखने को मिला जब उन्होंने अमेठी के अलावा दक्षिण भारत के वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दो सीटों से चुनाव लड़ने के फैसले पर राहुल की दलीलें देते हैं कि असल में वे संदेश देना चाहते हैं कि पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत एक है। एक तरफ जहां राहुल खुद कांग्रेस के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, तो वहीं अपने नए पुराने दोस्तों को भी इस बार साथ लेकर चल रहे हैं। बिहार में RJD, कर्नाटक में JDS, तमिलनाडु में DMK तो महाराष्ट्र में NCP साथ में है। हालांकि सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य UP और दिल्ली में उसका किसी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया। वैसे यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश दोस्त थे, लेकिन ये दोस्ती 2019 तक नहीं टिक सकी। लेकिन कांग्रेस ने फ्रंट फुट पर खेलने का ऐलान कर प्रियंका गांधी को सियासी मैदान में उतार दिया। इतना ही नहीं, वो लगातार मोदी सरकार पर हमलावर भी हैं। खासकर राफेल मुद्दे पर तो उन्होंने सरकार और यहाँ तक कि सीधे पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसके अलावा नोटबंदी और GST के फैसले पर भी राहुल ने जमकर हमला किया। जब चुनावी मैनिफेस्टो बनाने की बारी आई तो यहाँ भी वो लोक लुभावने वादे करने से नहीं चूके। इसके अलावा उन्होंने रोजगार का वादा कर युवाओं को भी साधने की कोशिश की। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी चुनाव के बाद एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर सकते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।